टू यू ऑन YouTube चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड नज़र आ रही है इंडिया के बजट के ऊपर। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 51.5 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है, और लास्ट टाइम ये तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस थे, लेकिन अभी ये कुछ 3.85 ट्रिलियन रुपीस बनता है। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे, बिकॉज हमारा ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं। तो आज यूएसए के अंदर, आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और आज चाइना के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश और इंडिया से आगे निकल गई है। तो हमें ये जो बांग्लादेश से देते थे ना कि ये ना, एक मिनट, बांग्लादेश और इंडिया से कैसे आगे निकली, क्या फिगर्स है बांग्लादेश से, क्या फिगर्स है? आप जी, मैं आपको आपके आपको मैं सारे फिगर नहीं, मुझे अभी बताएं इंडिया की, आपको पता है कितनी एक्सपोर्ट इंडिया का? तो 100 बिलियन डॉलर ज्यादा सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। बीबी क्या बातें कर रही हैं? देख, आपने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है। मैं देख रहा था कल परसों के जो तीन चार उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं। जब आपको F-16 लेटेस्ट वर्जन, जो 20-25 साल पुराना प्लेन है, लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट उसका नहीं मिल सकता है, आप क्या, यू व्हाट डू यू होप फॉर? आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया, जो कि आधा है इंडियन रुपए से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तानी 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें, हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया। भारतीय रक्षा क्षेत्र पिछले कुछ सालों से चीन और पाकिस्तानी सीमा पर बढ़ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। सरकार बेहद संजीदगी के साथ भारतीय सेनाओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस साल सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट में 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 47,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी की है। अब भारत के रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले हुई इतनी बढ़ोतरी से पाकिस्तान हैरान परेशान है। दूसरी तरफ भारत के बारे में लाइव टीवी पर झूठ बोलने पर पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया है। भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है, गौर से खित्ते में इसलिए गौर से देखा जाता है, खासकर चीन और पाकिस्तान इसलिए गौर से देखते हैं ताकि पता चल सके कि भारत की सरकार क्या सोचती है और किस तरह की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, किस तरह के डिफेंस के प्लान हैं, फौज पे कितना पैसा लगाना चाहती है। 13 लाख की इतनी बड़ी फौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है, ये बहुत जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है। फिर पेंशन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, रिपेयर्स हैं, बहुत कुछ है, और इतनी बड़ी जो मिलिट्री एलोकेशंस होती हैं, तो खित्ते में पाकिस्तान और चीन तो देखते हैं ताकि हम तो देखते हैं क्योंकि हमारा रवायती जो है वो हरीफ है भारत, जबकि पूरी दुनिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इंडिया के पास इतना को पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, निर्मला साहिबा, उन्होंने जो यूनियन बजट की स्पीच की तो उसमें पता चला कि इस दफा जो हुकूमत है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट करेगी, यानी कि डिफेंस पे अगर 100% प्रोक्योरमेंट में, अगर जो टोटल डिफेंस बजट में से अगर लेट्स से प्रोक्योरमेंट में 100% को बजट आ रहा है तो उसमें 68% जो है वो लोकली प्रोक्योर करेगी। और जो नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वोकल फॉर लोकल, तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो समझते हैं कि हमें अपना वो जो है ना एक ब्रांड इंडिया
वो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत। ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 51.5 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है और लास्ट टाइम ये तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस थे, लेकिन अभी ये कुछ 3.85 ट्रिलियन रुपीस बनता है। लेकिन पाकिस्तान तो जारी बात है पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे, बिकॉज हमारा ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं देख रहा था कि जिस तरह अगर 3.85 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस बजट बनता है, तो अगर पाकिस्तान की करेंसी देखी जाए तो वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डबल है हमारे पैसे से, इंडियन का पैसा मजबूत है। तो हमारा जो पैसा कमजोर होने की वजह से, सो आप ये इमेजिन कर लें अगर 4 ट्रिलियन भी लगा लें इंडियन रुपया हमारे जो है ओवरऑल डिफेंस के हवाले से, तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया जो कि आधा है इंडियन रुपये से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तान 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता, मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस, डिफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है ना। टोटल बजट हमारा जो ओवरऑल मेरा ख्याल है कुछ 7.5-8 इतना इसके करीब होता है, जो लास्ट टाइम जो मुझे जो वो याद है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पिछले 2015 से लेके 2019-20 तक आ जाए, तो आपको पता चलता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड फॉर बाइंग न्यू मिलिट्री हार्डवेयर अपनी डिमांड डबल कर दी है। यानी कि 2015 में अगर आप उनको डिमांड दे रहे थे 10 अरब डॉलर से कम की, तो इस वक्त वो कह रहे हैं 20 अरब डॉलर से। सो पिछले 5-6 सालों में इतनी तब्दीलियां आई हैं दोस्तों, कम जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। इस वक्त जो इंडियन फौज है वो तकरीबन 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है, जिनकी टोटल वर्थ वैल्यू जो है वो 20 अरब डॉलर है। फिर एयरफोर्स को जो जहाज चाहिए, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कल परसों के जो 3-4 उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं आई थिंक, या कुछ और भी हैं शायद, तो 15-1 अरब डॉलर तो उसके लिए चाहिए, क्योंकि उनकी जो जहाज हैं वो उनको रिप्लेस करना है। नॉर्मली हमारी हुकूमतें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बाहर से पैसा हार्डवेयर मंगवाती हैं, उसमें डील्स होती हैं, लेकिन मोदी जी ने अपना ये एक इमेज बना के रखा है कि भाई बाहर से इस तरह मिलिट्री हार्डवेयर जिन्होंने कहते ना अन्नेवा नहीं मंगवाना, जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाने की जरूरत है वो जरूर मंगवाएं, ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकली परचेज करें। तो जो बाहर से पैसा हार्डवेयर आता है उसमें बड़े खांचे होते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन अगर इंडिया इस चीज में कामयाब हो जाए कि वो लोकली पैसा लगाना शुरू कर दे और ज्यादा पैसा जो है वो इंटरनली इन्वेस्ट करे, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो बिक रही थी जब 2016-17 का जमाना था, तो आज यूएसए के अंदर, आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और आज चाइना के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश और इंडिया से आगे निकल गई है। तो हमें ये जो बांग्लादेश से देते थे ना कि ये ना, एक मिनट, बांग्लादेश और इंडिया से कैसे आगे निकली, क्या फिगर्स है बांग्लादेश से, क्या फिगर्स है? आप जी, मैं आपको आपके आपको मैं सारे फिगर्स नहीं, मुझे अभी बताएं, देख ले कि ये मेरी, आपको पता है बांग्लादेश की क्या फिगर्स हैं? एक मिनट बीबी जी, ओ एक मिनट ठहर जाए सर, उनका तो पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा हो गई है, उनका जीडीपी हमसे ज्यादा हो गया है, उनकी एक्सपोर्ट हमसे बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है ऑलमोस्ट, और इंडिया की आपको पता है कितनी एक्सपोर्ट, इंडिया का तो 100 बिलियन डॉलर ज्यादा सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। बीबी क्या बातें कर रही हैं? देख आपने मेरी आप वही तो मैं कह रही हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने यू जस्ट जंप इन इस एक साल के अंदर जो यूएस को एक जो क्वांटिटी जाती है उस क्वांटिटी के अंदर पाकिस्तान ने अपनी रीजनल जो कंट्रीज है उनसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने के उसमें है टेक्सटाइल्स के। और ये फिगर दे मुझे, फिगर देना एग्जैक्ट के पाकिस्तान जी वो क्या है साथ, मैं आपको ना सिर्फ मैं फिगर्स बल्कि दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा, शेयर करती हूँ कि ये हमारे दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा डबल डिजिट, एक मिनट, यानी जब फिगर नहीं है तो उसको कोट क्यों कर रही है? ये वीडियो हमारी आज की जिसमें डिस्कशन की गई है रिगार्डिंग कि इंडिया जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उन्होंने बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अपना लेकर आए हैं, और जहाँ के जबकि हमारा अगर बजट देखें तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन बजट, और हम तो कहीं पर भी उनके आगे खड़े नहीं होते, ठीक है। और इंडिया में जितना भी बजट है वो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, अगर करेंसी, कमर चीमा सही कह रहे हैं कि करेंसी को हिसाब लगाओ तो हमारा बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है बहुत ही ज्यादा बन जाता है। तो अगर हम ये बजट देखते हैं तो ये बजट हमारा बहुत ज्यादा बन जाता है, मतलब कि
हमारे पैसे मतलब कि हम बहुत ज्यादा पैसा, इतना पैसा कि हमारी कंट्री की इतनी टोटल अमाउंट नहीं होगी जितनी इस बजट की बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ को लेकर आगे चलती है, मतलब इनके लिए चैलेंज है कि उन्होंने अपनी पेंशन्स हो गई, सैलरीज हो गई, इन सारी चीज़ों को भी बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है। जाहिर सी बात है कंट्री को भी चलाना है, डिफेंस का बजट हो गया, ये भी बहुत चीज़ें जो है अहम रोल होते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स बाय करने होते हैं, फिर कुछ बनवाने होते हैं, और इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए होता है, तो हर तरह से उनको चाहिए। और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ पर बजट का अगर देखें तो हमारा बजट उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो मेन है वो ये है कि सारा बजट वैसे भी इन सारी चीज़ों पे लगा दिया जाता है डिफेंस के ऊपर, तो कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसमें कोई बजट बचता ही नहीं है। मतलब कि हम देखें तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कंट्री में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आजकल इमरान खान की गवर्नमेंट को लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, महंगाई बढ़ाती जा रही है और सारा पैसा डिफेंस के ऊपर लगा रही है और डिफेंस से कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर यही ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे जो हम इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपना बजट जो है वो सिर्फ आपस में मिलाकर जो है वो, मतलब कि देखो अगर यही बजट जो डिफेंस पे लगाया जा रहा है, अगर यही पैसा जो है ये लोग अपनी कंट्री पर लगाएं तो सोचो कितना फ़ायदा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती। यही काम आजकल आउट ऑफ कंट्रीज में लोग कर रहे हैं कि वहाँ पर ये लोग बजट इस तरह से ही अपना बजट जो है वो दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, वो डिफेंस में। हालांकि यूएई को अगर आप देखो तो उनका इतना मिलिट्री का है ही नहीं सिस्टम, उनके छोटे छोटे बच्चे मिलिट्री में होते हैं और कोई इस तरह का सिचुएशन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप इस तरह का बना के रखा है कि उनको मिलिट्री पर इतना लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी डिवेलपमेंट के ऊपर लगाते हैं। तो यही पैसा इतना वेस्ट होता है सोचो डिफेंस के ऊपर। तो आई विश कि यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन ना होती, और ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो आपस में कभी भाई हुआ करते थे, आज उनको डिवाइड कर दिया गया है, वो डिवाइड होने के बाद आपस में ही लड़ रहे हैं, दुश्मनों ने फूट डाल दी उसके अंदर, अंग्रेज चले गए उन्होंने लड़ाइयाँ डलवा दी और लड़ाई डालने के बाद खुद भाग गए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ डलवा दी। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए लड़ाई करते थे, मतलब उन्होंने लड़ाई की ताकि अंग्रेजों से छुटकारा मिले और इंडिया आज़ाद हो, और आज एक वक्त है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ी जा रहे हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये गोरे उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है, ये डिफेंस का जो पैसा ये कहाँ जाता है, उन लोगों को मिलता है, वो लोग खाते पीते हैं, लेकिन इंडिया जो है अपना आत्मनिर्भर पे भी फोकस कर रहा है, तो इसलिए इंडिया को इतना वो नहीं होता जेब पे भारी, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान होता है। जाहिर सी बात है सारा डिफेंस का बजट उस पे लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है वो गरीब मरता जा रहा है, भूखा होता जा रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, और सारा पैसा लूट कर बाहर लेके जा रहे हैं। तो बाकी डिफेंस के ऊपर यह है कि लोन ले रहे हैं और लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ का तो बस यही सिस्टम है। सो आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।